हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंचेजिया प्लांट की। दोस्तों, सेंचेजिया प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हमारे इलाके में सेंचेजिया प्लांट ही बोलते हैं। सेंचेजिया प्लांट जहाँ पर नमी या मॉइस्चर होता है, मतलब जहाँ पर शेडी एरिया होता है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ करता है। वैसे तो ये पौधा जंगलों में जहाँ सबसे ज़्यादा नमी होती है, जहाँ धूप की छाँव मिलती, रोशनी मिलती, लेकिन डायरेक्ट धूप इसको नहीं मिलती है। और जब धूप इसको नहीं मिलती है तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। ये शेडी एरिया का प्लांट है, जहाँ पे धूप नहीं होती वहीं अच्छी ग्रोथ करता है। इसको शेडी एरिया में ही रखा जाता है, जहाँ पर धूप ना आती हो या धूप छन के आती हो। और दोस्तों, ये बारिश के मौसम में भी अच्छी ग्रोथ करता है। बारिश के मौसम में जो हवाएं चलती हूँ उसमें भी नमी होती है, तो इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती है और इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसको नमी बहुत पसंद है, मॉइस्चर बहुत पसंद है। इसको जहाँ नमी होगी वहाँ अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन दोस्तों, बारिश के मौसम में तो ये अच्छी ग्रोथ करता ही है, और उधर समर सीज़न का ये प्लांट भी है, तो हम लोगों के इलाके में तो बहुत गर्मी होती है, तब भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। ये समर सीज़न का ही प्लांट है, इसलिए समर सीज़न में भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी ड्राई होगी तो इसके पत्ते बिल्कुल मतलब जो है गिर जाएंगे पीले होकर और लटक जाएंगे नीचे, और ये पेड़ फिर ड्राई मिट्टी होगी तो ये ज़्यादा सहन नहीं कर पाता उस चीज़ को। और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। मॉइस्चर होगा, इसकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, ये नवंबर और दिसंबर फरवरी के महीने को छोड़कर बाकी ये सब दिन मतलब जो है उधर वही फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक अच्छी ग्रोथ करता। तीन महीने साल में, तीन महीने में ये ग्रोथ कम कर देता है, वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा होता है और ठंडे मौसम में ये ग्रोथ नहीं करता है। इसकी टहनी ही बचती है, इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं, ठंडक ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और ठंडक में इसकी पत्तियाँ सारी पीली हो जाती हैं और लटक जाती हैं। इसलिए ठंड के मौसम में हम लोगों को पानी इसको बहुत कम देना चाहिए, ना के बराबर बिल्कुल देना चाहिए, ताकि ये प्लांट हमारा बचा रहे और इसकी पत्तियाँ भी थोड़ा स्वस्थ बनी रहें। दोस्तों, सेंचेजिया का जो प्लांट है वो समर सीज़न का प्लांट होता है, और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी समर सीज़न में ही होती है, क्योंकि समर सीज़न में ये भी चीज़ हम लोगों को ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इसको नमी बहुत पसंद है समर सीज़न में। आजकल तो समर सीज़न का महीना चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो इस समय क्या होता है, मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होती है, तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे और मॉइस्चर भी बना रहे। इसलिए हम लोगों को पानी देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और इसको पानी कम भी नहीं देना है। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा होना चाहिए, और मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, ये प्लांट शेडी एरिया का प्लांट है, जहाँ पर केवल धूप की रोशनी ही पड़ती हो, और जहाँ पर धूप की रोशनी पड़ती हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। अगर डायरेक्ट इसको धूप मिलेगी तो इसके पत्ते ब्राउन हो जाएंगे और पीले भी हो जाएंगे, और वो पत्ते जल भी जाते हैं। कभी कभी देखा होगा, आजकल तो बहुत जलने वाली धूप होती है, तो हमारे प्लांटों के जो पत्ते हैं वो थोड़ा ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन होके वो बिल्कुल मतलब जो है पीले होके गिर जाते हैं। तो इसको बिल्कुल धूप में भी नहीं रखना है, शेडी एरिया में ही आप लोगों को इसको रखना है। ये शेडी एरिया का ही प्लांट है, जहाँ पे रोशनी तो पड़ती हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो तो भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। इसकी मिट्टी में हरदम नमी बनी रहे, और इसकी पूरी तरीके से आप इसे शेडी एरिया में रखते हैं, जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती है तो भी अच्छी ग्रोथ करेगा। जहाँ पे मतलब धूप ना आती हो, और इसको आप बिल्कुल छाँव में रखें जहाँ पे सिर्फ रोशनी पड़ती हो धूप की, तो भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। वहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है। ये सेंचेजिया के प्लांट के पत्तों में वेरिएशन है, मतलब जिन पत्तों का रंग दो मतलब जिन पत्तों में दो रंगों का शेड होता है, तो उन प्लांटों को हम लोगों को शेडी एरिया में ही रखना चाहिए। उनको सनलाइट डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो
इंडोर प्लांट में आता है, लेकिन ये सिंजेविया प्लांट इंडोर प्लांट नहीं है, ये फुल आउटडोर प्लांट है, जहाँ पे धूप की रोशनी तो आती हो लेकिन धूप डायरेक्ट ना आती हो। और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, इसको ड्राई मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसे नर्सरी से लाते हैं इस प्लांट को, या आपके घर में है, या फिर आप कहीं कटिंग से भी लाते हैं, तो भी इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि इसकी जो डंडी है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। आप कहीं से भी इसकी थोड़ी सी कटिंग निकाल लीजिए, थोड़ी सी कटिंग, ये देखिए, यहाँ से अगर कटिंग आप निकाल लेते हैं इसकी और नीचे के पत्ते काट देते हैं, जहाँ से ये नए पत्ते निकलने के रूट्स होते हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तब भी इसकी कटिंग लग जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं कटिंग ले आइए, उसके छोटे से पॉट में भी लगा दीजिए, तो भी वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अगर आप इसे नर्सरी से लाते हैं और आप घर की दीवार के सहारे से लगाते हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि धूप पूरे दिन की धूप नहीं आती है, और रोशनी तो आती है लेकिन पूरे दिन की धूप नहीं आती, सुबह मॉर्निंग के 1-2 घंटे की धूप आती है, तो भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी वहाँ पे होगी। वहाँ पे भी ग्रोथ दोस्तों बहुत अच्छी होगी, दीवार के सहारे धूप कम आती है वहाँ पे, तो उसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, तो भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, सिंजेविया का प्लांट जो है वो फुल आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है। अगर आप इसे इंडोर प्लांट में रखते हैं या इंडोर में रखते हैं, तो इसकी पत्तियां कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी, इसकी पत्तियां लटक जाएंगी और इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी पीली होकर। तो ये पूरा आप इसे जो है आउटडोर रखिए, इंडोर प्लांट ये नहीं है, और इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए। ये मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि सिंजेविया का प्लांट जो है ये फुल आउटडोर प्लांट है, इसकी मिट्टी में नमी ज़रूर बनी होनी चाहिए। दोस्तों, सिंजेविया प्लांट फरवरी से लेकर नवंबर तक इसकी ग्रोथ चलती है, उसके बाद ये 3 महीने ग्रोथ नहीं करता है, वही नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। इन महीनों में इस प्लांट को पानी ना के बराबर देना चाहिए, मतलब पानी कम ही देना चाहिए उसमें, क्योंकि ठंडक में जो 3 महीने होते हैं उसमें इसकी मिट्टी में नमी तो हमेशा बनी रहती है, तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। और इसको पानी ना के बराबर ठंडक में दे, और इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब शेडी एरिया में ही इसे रखें, लेकिन ज़्यादा पानी ना दे, इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना होना चाहिए। दोस्तों, इसकी जो टहनी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, आप अगर इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं अपने प्लांट को, एक प्लांट से 2 प्लांट बनाना चाहते हैं, देखिए मैंने ये देखिए कटिंग से ही लगाया है इसको, छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। आप कहीं से भी छोटी सी कटिंग निकाल सकते हैं, उसको छोटे से पॉट में लगा दीजिए, और हमारा प्लांट भी मर जाएगा उस तरह से। आप लोग उसकी मिट्टी ऐसे तैयार कीजिए कि पानी रुके ना, वर ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए। पॉट की बात करें तो आप छोटा लीजिए, बड़ा लीजिए, कोई उसमें इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हर तरीके से ग्रोथ करता है। दोस्तों, जब भी इसकी कटिंग आप लीजिए तो छोटी से छोटी लीजिए, छोटी कटिंग आप लेंगे, इतनी छोटी, देखिए इतनी छोटी आप कटिंग ले लीजिए, और इसके नीचे के पत्ते, ये पत्ते हटा दीजिए, ये टहनी आप लगाइए जहाँ से इसमें मैं बताती हूँ, ये आप जैसे इतनी बड़ी 4 से 5 इंच की इसकी टहनी निकाल लीजिए और यहाँ से काट दीजिए, इस जगह से, यहीं से आप मिट्टी पे इतनी दबा दीजिए और ये नीचे के पत्ते हटा दीजिए, तो भी इसकी जो है कटिंग लग जाती है। इसकी कटिंग तो बहुत आसानी से लग जाती है, आप समर सीजन में इसकी कटिंग लगाइए और पानी उसमें कम डालिए, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और कुछ ही दिनों में देखेंगे आप उसमें रूट्स निकल आई हैं, ताकि वो आपके जो पॉट में है वो पानी से ना छुए। जो नीचे के पत्ते होते हैं, जब हम कोई कटिंग लेते हैं तो नीचे पत्ते लगे होते हैं उनको हटा देना चाहिए, ताकि हमारा पत्ता पानी से ना छुए, ताकि उसमें फंगल कोई अटैक ना करे, क्योंकि पत्ते अगर पानी से छुएंगे तो उसमें फंगल लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
नीचे के पत्ते आपको रिमूव कर देना है और ऊपर के दो पत्ते आपको छोड़ देना है ताकि वो पानी से ना छुए और आपकी कटिंग फेल ना हो और अच्छी तरीके से आपकी कटिंग मतलब आपकी कटिंग चल जाए। दोस्तों संचेजिया का जो प्लांट है उसे आप लोग परमानेंट प्लांट ना समझें, क्योंकि इसमें नीचे से ग्रोथ होती रहती है। देखिए नीचे से ग्रोथ होती रहती है और ऊपर के नए पत्ते जो पुराने पत्ते होते हैं वो हमारे गिरते जाते हैं। तो नीचे से इसकी ब्रांचें निकलती रहती है और पुराने पत्ते इसके पीले होके गिर जाते हैं। तो इसे परमानेंट प्लांट मत समझिए, एक मतलब 12 महीना का प्लांट नहीं है, 3 साल में 3 महीने इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है। बहुत सारे पत्ते गिर जाएँ बिल्कुल भी उसमें ना रहें और वहीं से उसकी नए पत्ते शुरू हो जाएं जब इसका सीज़न आए, समर सीज़न में वही मार्च अप्रैल तक का इसका नया सीज़न आ जाता है तो समर सीज़न में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन विंटर सीज़न में ये सारे पत्तों को अपने गिरा देता है, केवल इसकी टहनियाँ ही बचती हैं। तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल ना के बराबर डालें, बहुत कम डालें। और दोस्तों इसकी खाद की बात करें तो इसको कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसको कुछ खाद अब दीजिए या ना दीजिए तब भी ये अच्छी ग्रोथ करेगा। बस एक बात का इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसकी मिट्टी को नमी ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसको जहाँ सेडी एरिया हो, जहाँ पे मॉइस्चर बना हो, जहाँ पे नमी हो, उन्हीं जगह पे इसको रखना चाहिए। या फिर ज़मीन पे आप लगाइए तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे धूप डायरेक्ट ना आती हो, इनडायरेक्ट धूप आती हो, छनके आती हो, सुबह मॉर्निंग के 1-2 घंटे की धूप मिल जाए इसको तब भी अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये अच्छी उसमें मतलब जो है काफ़ी अच्छा मतलब जो है इसका जो है दोस्तों इसकी खाद की बात करें तो इसको कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए, चाहे वो काउडंग ही क्यों ना हो, क्योंकि इस प्लांट को खाद ज़्यादा पसंद नहीं है और कोई भी इसको खाद नहीं देनी चाहिए। समर सीज़न हो या मतलब कोई भी बारिश का सीज़न हो, आप देखिएगा इसमें अपने आप ही इतनी अच्छी ग्रोथ होगी कि बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, इसे धूप से बचाना है, बस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, इसको हमें धूप से बचाना है। इसको विंटर सीज़न में थोड़ा कम पानी देना है और पानी की रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा नहीं रहती है। इसकी मिट्टी में बस ज़्यादा थोड़ा सा नमी बनी होनी चाहिए और बाकी इसे चाहे मॉर्निंग के 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। सेडी एरिया में अगर ये रहेगा तो इसको पत्तों का कलर काफ़ी अच्छा निकलेगा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ ग्रोथ करता है, आप देखेंगे एक छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे कुछ ही दिन में देखेंगे आपका पॉट पूरा भर जाएगा। ये देखिए मैंने अभी 1 महीने पहले ही इसको लगाया है और देखिए कटिंग से मेरा कितना पॉट पूरा, ऊपर के पत्ते कैसे निकल रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। ये कटिंग मैंने 1 महीना पहले लगाई थी, बहुत अच्छी ग्रोथ की है ये। दोस्तों ये प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसकी केयर ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा केयर ये नहीं मांगता, ये प्लांट ऐसा है कि आप कम केयर में भी अच्छी ग्रोथ इसमें देख सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा धूप से बचाना होता है कि ज़्यादा धूप इसको डायरेक्ट धूप ना मिले, इनडायरेक्ट धूप मिले, जहाँ पे कम धूप आती हो, जहाँ सेडी एरिया हमारा हो वहाँ पे इसको रखें। अगर इसको छाँव में रखेंगे, सेडी एरिया में रखेंगे तो देखिएगा इसका जो पत्तों का कलर है और जो इसका ग्रोथ करने का मतलब स्पीड है काफ़ी अच्छी निकलेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में आप लोग। दोस्तों ये प्लांट संचेजिया का प्लांट ऐसा प्लांट है अगर इसको सही कंडीशन मिले तो ये काफ़ी फास्ट ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है, बहुत जल्दी आपका छोटा सा पॉट में भी अगर लगा होगा तब भी देखिएगा बहुत ज़्यादा इसमें जो है ग्रोथ करे के पूरा गमला भर जाएगा, मतलब घना बन जाएगा। देखिए हमारा इसमें मैंने लगा दिया था कटिंग, इसके ये मदर प्लांट है इसका, ये मदर प्लांट है इसका और इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है और नीचे भी कटिंग लगी हुई है इसकी, इन दोनों में मैंने कटिंग लगाई थी इसकी कटिंग लगाई थी, ये मदर प्लांट है इसका, इसी में से मैंने ये 3 गमले बनाए हैं और मैंने अभी कटिंग इसकी नहीं लगाई है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास 3 गमले एक प्लांट में लाई थी नर्सरी से, ये 50 रुपये का मुझे मिला था और मैंने इसी पॉट में मैंने लगा दिया था जिसमें ये लगा हुआ है छोटे पॉट में, और इसी पॉट से मैंने 2 पॉट
पॉट में लगाया है और इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। देखिए कटिंग से ही मैंने बनाया है। आप इसकी कटिंग किसी भी सीज़न में लगा दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए उसमें पानी कम डालिए और ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों संचेजिया का प्लांट मैंने बताया, इसके बारे में आपको आज सारी बातें बताई, कैसे केयर करनी है, कैसे पानी देना, कैसे सनलाइट चाहिए, कैसे खाद, इसको खाद की ज़रूरत पड़ती ही नहीं ज़्यादा, और डाले या ना डाले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी ये अच्छी ग्रोथ करता। बस इसको ज़्यादातर धूप से ही बचाना होता, थोड़ा डायरेक्ट धूप में ना रखे, शेडी एरिया में रखिए तो अच्छी ग्रोथ करता है। तो मैंने दोस्तों सारी बातें इसमें बता दिया है आप लोगों को, और आप लोग भी संचेजिया का प्लांट लगाइए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।